साबाळकंकु टीका पई ओडिसा प्रस्तुत परिवार कल्याण निर्देशक विजय पाणिग्राहीक सूचना कहले 18 वर्षरु अधिक व्यक्ति विशेष को टीकाकरण पई ओडिसा संपूर्ण प्रस्तुत अछि तबे 1 मे रु ओडिसा युव वर्गंकु टीकाकरण करा जिवो युवकंकु टीका देबा पई राज्य रे अधिक सेशन साइट आउ टीकाकरण केन्द्र खोला जिवो तबे क्वीन आप आउ स्पॉट रजिस्ट्रेशन माध्यम रे पंजीकरण करा जिवो सरकारी ओ घरोई हॉस्पिटल रे पूर्व भली टीकाकरण करा जिवो ओडिसा को आज 1 लाख कोविशील्ड टीका आसुची एहा अपराहन रे आसी पहुचबो सहरांचल गुडी करे सप्ताहंत शटडाउन समय रे टीकाकरण बंद रहबो बोली कहचोती विजय पाणिग्राही तबे साबाळकंकु टीका पई प्रस्तुत ओडिसा परिवार कल्याण निर्देशक विजय पाणिग्राही सूचना देछंती जे 18 वर्षर अधिक व्यक्ति विशेष को टीकाकरण पई ओडिसा संपूर्ण प्रस्तुत रहिछि 1 मे रु ओडिसा युव वर्गंकु टीकाकरण करा जिवो युवकंकु टीका देबा पई राज्य रे अधिक सेशन साइट आउ टीकाकरण केन्द्र खोला जिवो एवं क्वीन आप आउ स्पॉट रजिस्ट्रेशन माध्यम रे पंजीकरण करा जिवो सरकारी आउ घरोई हॉस्पिटल रे पूर्व भली टीकाकरण करा जिवो तबे ओडिसा को आज 1 लाख कोविशील्ड टीका आसी अपराह्न पहुंचिबो तबे जो शटडाउन रही सप्ताहत शटडाउन से ही समय टीकाकरण बंद रही सहरांचल गुड़िक विजय पाणिग्राही जहां सूचना दे बर्तमान कहींपर गत जो भाव में केन्द्र सरकार घोषणा करते मे 1 तारीख में तृतीय पर्याय टीकादान हो जो तृतीय पर्याय टीकादान 18 वर्ष रु जो मैंने अधिक रही टीका दिया जीवो अर्थात युव वर्ग एथरे सामिल करा गला प्रथम जदि आम देखा ताले वरिष्ठ नागरिक थिले द्वितीय जदि देखा ताले जो मैंने 45 वर्ष ऊर्ध तथा जो पूर्व दुईट फेज रे जो मैंने एकाधिक रोग से पीड़ित से टीका थिला किंतु वर्तमान तृतीय फेज रे जदि आम देखा ताले 18 वर्ष रु जो मैंने अधिक से टीकाकरण करा जीवो बा से मानंकु ए टीकाकरण रे शामिल करा जिवो तृतीय पर्याय टीकाकरण रे जहाँ कि मे 1 रु आरंभ हेबो गतकाली केन्द्र सरकार एने घोषणा करथले तबे आजर कथा जे देखिवा ओडिसा मध्य युव वर्गंकु बा साबाळकक टीका पई ओडिसा प्रस्तुत अछि जहाँ सूचना वर्तमान समय रे आसीछि एवं किंतु जो सप्ताहंत रहिछि शटडाउन सेही समय रे सहरांचल गुडी करे टीकाकरण बंद रहबो बोली जहाँ परिवार कल्याण निर्देशक विजय पाणिग्राही सूचना देछु तबे गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा जे गतकाली जेते बेले गुरुत्वपूर्ण घोषणा करथला घोषणा करथिले केन्द्र सरकार जे साबाळकंकु टीका पई वर्तमान समय आम देखा जदि ओडिसा प्रस्तुत कारण गतकाली मे 1 तारीख रु तृतीय पर्याय जो भली भाव टीकाकरण हेबो एवं सेथिरे जो माने 18 वर्ष रु ऊर्ध रहिछथि से माने टीका नै पारिबे आ परवर्ती समय रे एभली गोटे घोषणा परे ओडिसा केमिति प्रस्तुति करिछि ओडिसा केते प्रस्तुत अछि आज एने प्रतिक्रिया आछि जे परिवार कल्याण निर्देशक कहिछथि जे 18 वर्ष अधिक व्यक्ति विशेष को टीकाकरण पई ओडिसा संपूर्ण प्रस्तुत रही मे 1 रु ओडिसा युव वर्ग को टीकाकरण करा जिवो तबे युवकंकु टीका देबा पई राज्य रे अधिक सेशन साइट आउ टीकाकरण केन्द्र खोला जिवो क्वीन आप आउ स्पॉट रजिस्ट्रेशन माध्यम रे ए पंजीकरण करा जिवो तबे जेमती सरकारी आ घरोई हॉस्पिटल रे जेमती टीकाकरण चली वर्तमान समय रे सेमती पूर्व भली एठारे टीकाकरण करा जिवो आउ गोटे भल सूचना रही आज ओडिसा को 1 लाख कोविशील्ड टीका आसिकी अपराह्न पहुँचव किंतु आउ गोटे पटे जदि आम देखा जमी गत काली आपड़ जानते गोटे गुरुत्वपूर्ण घोषणा करेतु बर्तमान 5000 आड़ी को मुहाँ ओडिसार पॉजिटिव संख्या तो ताकु दृष्टि रखी अनेक कटकणा बर्तमान समय लागू कर सर जानिया पई चाहिबी वर्तमान जो टीकाकरण स्टेटस कोन सर केते दिया जाय छै केते जन को दिया जइबो आज हमरो गत काली 1400 टीकाकरण कर जाय छै जो कि हम 1,42,886 जन टीका देछु एवं गत काली टीका को मिसै कि हमरो सर्वमोट 51,53,374 डोज टीका दिया सरलानी एवं आज भी हमरो 890 टी केंद्र टीकाकरण कार्यक्रम चालू रही समस्त जिले में यह चालू रही आज आम 1 लाख डोज कोविशील्ड टीका पाइबु आज अपराह आस पहुँच आसला से गुड़ा आम डिस्ट्रीब्यूट को आम बंटन करदेव तापर
ସେମାନଙ୍କର ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି, ଏହି ଟୀକା ବି ଆମେ ସେଇ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡାକୁ ଆମେ ପଠେଇଦେବୁ। ଓକେ ସାର୍, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ମାର୍ଚ୍ଚ ଯୋଉ ମେ ଏକ ତାରିଖ ପାଖରୁ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବୟସ୍କଙ୍କୁ ଟୀକା ଦିଆଯିବ, ସେପାଇଁ ସାର୍ କଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ? ନା, ଆମର ଆଗରୁ 45 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟୀକାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ତା ଅନୁସାରେ ଆମର ସବୁ ଟୀକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି, ବୋଥ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତେ ଅଲରେଡି ତା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେବଳ ବୟସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୀମାକୁ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରାଗଲା, 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯୋଉମାନେ ଟୀକା ଦିଆଯିବ, କେବଳ ନମ୍ବର ବଢିବ, ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ସେଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ। ଆମର ରାଜ୍ୟ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି 18 ବର୍ଷଠୁ ଅଧିକା ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଟୀକାକରଣ କରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତ ଅଧିକ ସାର୍ ସେସନ ସାଇଟ୍ ଖୋଲିବ, ଯେତିକି ସେସନ ସାଇଟ୍ ଥିଲା? ହଁ, ଯେତିକି ସେସନ ଅଛି ଆହୁରି ଆମର ସେସନ ବଢେଇବାର ଆମର ଅଛି ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବଢେଇବୁ। ଯେହେତୁ 18 ବର୍ଷଠୁ ଅଧିକା ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭିଡ଼ ରହିବ, ତାହେଲେ ଆମ ଟୀକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆହୁରି ବଢେଇବୁ, ଯେମିତି ଆମେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ହେଇପାରିବା, ସେଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସାର୍, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କେମିତି 18 ବର୍ଷରୁ କେମିତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାର୍ଟଟା କେମିତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ ହଉ କିମ୍ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, 18 ବର୍ଷର ଅଧିକା ହଉ କିମ୍ବା 45 ବର୍ଷର ଅଧିକା ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର କୋୱିନ ପୋର୍ଟାଲରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହବ। ଯିଏ ବି ଆସିବ ଅନସାଇଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଟୀକାକରଣ କରାଯିବ, ଯୋଉଟା କୋୱିନ ପୋର୍ଟାଲରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହବ। ୱିଦାଉଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କାହାକୁ ଟୀକା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରେସ୍ ଇନଫର୍ମେସନ ବ୍ୟୁରୋରୁ ଯାହା ଇନଫର୍ମେସନ ଅଛି ଯେ ସେଥିରେ ମାଷ୍ଟ ବି କ୍ୟାପଚର୍ଡ ଇନ୍ ଦି କୋୱିନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ।